हेलो गाइस, आपका दोस्त आपका चहेता सखिंदर कुमार आपके लिए लेके आया है क्रोल टिब्बे की जर्नी। तो यहाँ से हम आपको थोड़ा व्यू दिखा देते हैं जहाँ से हम आए हैं। ये गाड़ी है हमारी पार्क की हुई है, कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। तो हम आपको यहाँ के स्थानीय निवासियों से भी मिलाएंगे जो यहाँ पे रहते हैं। ये उनका झोपड़ी है यहाँ पे, तो आपको सीधे ले चलते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी जो कि यहाँ की पर्यावरण में बहुत अपना सहयोग दे रहे हैं। ये हम बात कर लेते हैं इनसे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पानी की सुविधा नहीं होती, राशन नहीं लेके आ सकते। बहुत मुश्किल से, नीचे से, कठिन रास्तों से उनको लेकर आना पड़ता है। तो हम सीधे आपको ले चलते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम जय कुमार जी। सर, और मैं यहाँ पे इवन हमारी जो पीढ़ी है काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रही है। जितनी भी आपको नज़र घुमा सकते हैं आप, ये हमारा अपनी ज़मीन है। ओके सर, और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ की आपकी ज़मीन का। बट यहाँ का एक है कि यहाँ पे थोड़ा उपजाऊ मिट्टी नहीं है, जिस तरह आप देख ओके सकते हैं यहाँ पे जैसे ये पेड़ लगे हुए हैं तो ये इसके बाद यही रहते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इतनी घास फूस ही है ओनली, यहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई पेड़ या फिर खेत वगैरह कोई दिखाई देगा नहीं, जिससे हम सर, मैं अभी यहाँ पे नीचे देख रहा था, अनार के बगीचे लगे हुए हैं वहाँ पे। अनार बहुत ही अच्छे टेस्टी अनार लगे हुए थे, हमने तोड़ा भी है। तो बट जो अनार की आप बात कर रहे हैं उसका एक्चुअली वो वराइटी पे डिपेंड करता है। वराइटी जी छोटी वाली वराइटी थी, इसमें ऐसा होता है जैसे बीज पड़ेगा तो एकदम से वो सड़ जाता है, अंदर से उसमें कीड़ा लग जाता है। ओके ओके एक टाइम था हम जब यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक हमने ये बगीचा लगा रखा था अपना पूरा इसका, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जी सर, तो फिर जिस तरह अभी रोड बना है यहाँ पे तो कुछ तो सुविधा मिली है, बट फिर भी हमारे को उतना फायदा नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। बट आपको सरकार की बहुत सी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो आपको वो सुविधाएं आपको प्राप्त हुई है यहाँ पे कुछ? यहाँ पे आपको पता है गरीब आदमी को दबाने की कोशिश करते हैं लोग, तो अब क्या ओके करें, हम तो यहाँ पे ऐसे लगा रखे हमने 2-3-4 बोतलें यहाँ पे, ताकि कोई भी श्रद्धालु आए जो अपने यहाँ पे ऊपर क्रोल टिब्बे के जा रहे हैं तो कोई पानी ले जाए हमारे से। बस जी महाराज, यही हमारी इनकम का साधन है यहाँ तो पे। आपका कहने का मतलब है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो आपका गुजारा जी जी हाँ जी उसी से चलता है, और हाँ जी आपको, लेकिन मुश्किल तो आती होगी आपको, जैसे आप आजकल राशन पानी या कस्टमर के लिए लेके आते हो, तो उसमें क्या परेशानी आती है आपको? अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है, बट फिर भी रहता है टफ, क्योंकि हमारे पास सुविधा का है नहीं उतनी अच्छी है नहीं यहाँ पे, ना पा रहा अपने पास गाड़ी वगैरह है। बट हाँ, कई बार अपनी पीठ पे उठा के लाना पड़ता है हमारे को ये नीचे से सामान अपना। यहाँ देख सकते हैं आप, नीचे सड़क थी यहाँ के लिए, जी मैक्सिमम सर, यहाँ पे सोलन से ही लाते हैं यहाँ के लिए, तो तो मैं काफी दूर आपको पड़ता है दिखाना से। चाहूँगा सर, आपको माफ़ी चाहूँगा कि आपको बीच में रोक रहा हूँ। तो ये जो वो जगह है जहाँ से इनको वहाँ से राशन पानी लेके आना पड़ता है, तो इनको कम से कम 2 घंटे का सफ़र करके पैदल आना पड़ता है ऊंचाई पर। बहुत थकावट होती है क्योंकि सामान भी काफ़ी हैवी होता है। आजकल अभी तो मैं बीच सर, इसके में बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपकी सेहत सेहत के बारे में आप बताइए, क्योंकि इतनी मुश्किल से 2 घंटे का सफ़र करके आपको नीचे से सामान लेके आना है, हैवी सामान। हाँ, एक्चुअली तो मैं आपका अच्छा क्वेश्चन है, से सेहत के बारे में तो देख सकते हैं स्लिम एंट्री में, क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है, जैसे सुबह की हवा का नज़ारा ले सकते हैं आप पूरा। तो जैसे हम सुबह 4 बजे उठ के थोड़ा सा पुशअप वगैरह या फिर जैसे लकड़ी कुट लकड़ी काटने चल जाते हैं हम अपने गुजारे के लिए, कि ये यहाँ पे हमारे आपको यहाँ पे लकड़ी भी रसोई दिखा है देता हूँ, ये रसोई है। और ये हमारा रात का गुजारा है। ओके ओके यहाँ पे ओके ठंड ज़्यादा पड़ती है तो फिर बीच में सही ये सही रसोई के सही। रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे आपको वैसे जीवन यापन करने में, पूरी फैमिली आपकी यहीं पे रहती है? हाँ नहीं, अभी फैमिली भी है तो मैंने यहीं रखी है शहर में ही, ताकि वो अच्छे से ओके, बच्चे वगैरह पढ़ाए लिखाए हम उनको अच्छे से। यहाँ पे स्कूल की सुविधा भी नहीं होगी जैसा कि स्कूल मैं देख भी रहा हूँ, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर है, गांव। फिर वो ये आने जाने का ही रहता है यहाँ पे, थोड़ा जी जी काफ़ी दूर है यहाँ से आने जाने के लिए। तो यहाँ तो पे बड़े जीव जंतु भी होते होंगे, हाँ, बड़े जीव जंतु यहाँ पे चीता वगैरह जैसे? आमतौर घूमते रहते हैं यहाँ पे उस पहाड़ियों पे, आप सामने देख सकते हैं एक पहाड़ी है वहाँ पे। ओके ओके, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ जी रूल जी रेगुलेशन लिखे हुए हैं जंगल को लेके। डू नॉट लिटर इवन अ स्मॉल पीस ऑफ प्लास्टिक, कैरी योर ट्रेस बैक, बी एडवेंचर बट नॉट स्टूपिड, सेव ट्रीज एंड सेव योर सेल्फ। सो बहुत अच्छा
ये हमने गाइडलाइन सोशल दिया हुआ है के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, ताकि लोग आए कभी यहाँ पे, टूरिस्ट वगैरह जितने भी आते हैं तो हर कहीं गंदे फंद फेंक देते हैं। बहुत ही अच्छी, साथ में रखना तो फिर वो हर कहीं फेंक देंगे, तो उस वजह से देखो जैसे यहाँ पे फेंक दिया नीचे से। अभी ये हम साफ कर रहे थे, थोड़ी देर में यहाँ पे सफाई कर रहा था, उसके बाद में यहाँ पे खुद उठाऊंगा, तो मैं जी जी उनसे भी मेरा दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे स्थान होते हैं ये घूमने के लिए होते हैं, टूरिस्ट प्लेस की होता है, बट मैं ये रखना हूँ जहाँ पे आप जाए कुछ भी, जैसे आप खाने पीने की चीजें ले रखते साथ में, तो आप अपने पास एक बैग में ही डाल दीजिए जितना भी सामान होता है। अरे पर फेंक के हम अपना पर्यावरण ही नष्ट कर रहे हैं। तो धन्यवाद सर आपका, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर टूरिस्ट आता है, जितने भी लोग मेरे चैनल को व्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना कोई भी अगर आप टूरिस्ट सामान लेके आता है खाने पीने का, तो प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं उसको एक डस्टबिन में, डस्टबिन लगाए गए हैं जगह पे टूरिस्ट प्लेस पे, ठीक है, तो वहाँ पे ही डाले अपना सामान। वो जो पॉली बैग होते हैं वो एक पॉलीथीन में डाल के उनको साथ में ले जाए, और कहीं नीचे जो डस्टबिन होता है उसमें गिराए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये साथ में डस्टबिन रखा हुआ है, तो अपनी जो एजुकेशन का फायदा उठाए, अपना एजुकेटेड बने, और तो प्लीज जैसे यहाँ पे डस्टबिन गिराते हैं तो वहीं फेंके। तो मिस्टर जय जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, तो मैं आपसे यहीं अलविदा लेता हूँ। बाकी जो टूरिस्ट हैं आगे गए हुए हैं, तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं आपको जरूर उसमें उनसे भी इस बारे में चर्चा करेंगे, ताकि हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहे, स्वच्छ रहे और सभी लोग हेल्दी रहें। जब तक स्वच्छ वातावरण नहीं होगा तब तक कोई लोग स्वस्थ नहीं हो सकते। तो अपना जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। धन्यवाद, थैंक यू।